वेजिटेबल फ्राइड राइस कहिए या फिर चाइनीज़ फ्राइड राइस कहिए, सबको बहुत पसंद आता है। बच्चे हों या बूढ़े, सब बहुत मन से खाते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। जब हम रोज़ रोटी चावल दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं तो कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है और हमें भी बनाने का डिफरेंट मन करता है। तो आज हम लेके आए हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस चाइनीज़ तरीके से, जो कि हम अपने किचन में बनाएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसे बनता है। और ये बहुत आसान होता है बनाना। कभी कभी चावल बच जाता है जब हम डिनर या लंच में बनाते हैं, तो उससे बनाना और हमारा फ्राइड राइस आसान हो जाता है। तो मैं भी आज बचे हुए चावल से ही फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हमारा फ्राइड राइस। आज का स्पेशल फ्राइड राइस रेसिपी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मान्या किचन। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई गैस पर रख करके उसमें थोड़ा सा ऑयल हम ऐड कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे कि लहसुन जले नहीं। जब भी हम चाइनीज़ बनाते हैं तो इनको जलाते नहीं हैं। अब प्याज को ऐड करके इसको ट्रांसपेरेंट होने तक बस भूनेंगे। चाइनीज़ रेसिपी जब भी हम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे ओवर कुक नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे सब्जियां हमारी क्रंची ही रहें। उसके बाद हम अपनी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी सब्जियों में लिए हैं कटा हुआ गाजर, कटा हुआ फ्रेंच बीन्स और कटा हुआ शिमला मिर्च लिए हैं। इन सब्जियों को डालकर 1 मिनट के लिए फिर से हम भून लेंगे। अब इनको एक साथ भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज। तो 1 मिनट हो चुका है तो हम अपना हरा प्याज डाल करके भी भून लेंगे थोड़ा सा। लगातार चलाते हुए सब्जियों को भूने। अब प्याज भी भून चुका है तो अब हम इसमें कटा हुआ पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे और ऐड करके इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चाइनीज़ रेसिपी जब भी बनाएं तो हाई फ्लेम पे ही बनाएं। और अब जब हमारी सब्जियां भुन जाएंगी तो अब हम यही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच टोमेटो सॉस ऐड करेंगे और इनको ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। सोया सॉस के कच्चेपन को ख़त्म करने तक बस भुनना है हमें, ज़्यादा नहीं भुनना है वरना सब्जियां हमारी गल जाएंगी और फिर और अब फ्रेंड्स डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच चिंग्स फ्राइड राइस सेजवान मसाला और जब हम ये मसाला यूज करते हैं तो नमक नहीं डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस मसाले में नमक होता है। तो जब भी आप इस मसाले को यूज करें तो नमक ना डालें और थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे ऐड करके और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये सब्जी मसाले सॉस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फाइनली अब हम लोग इसमें अपना उबाला हुआ चावल ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट लगता है इन्हें मिक्स करने में और खूब चारों तरफ से अच्छे से चला चला करके इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। और पलटे से दबा दबा करके जो भी चावल में गुठलियाँ बने हों उनको भी
इस तरह से फोड़ लिया करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। तो हमारा फ्राइड राइस जो है रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम राइस निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेट में खीरा कटा हुआ रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे देखने में भी खूबसूरत लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा।